तो दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। देखिए पहले आप यार ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, आप में से ऐसा कौन है जिसने फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाए हों और एक अच्छा अमाउंट जनरेट किया हो, अच्छा प्रॉफिट कमाया हो फर्स्ट टाइम में ही? फर्स्ट टाइम में ऐसा कौन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और साथ साथ ये लिखना कि कितना पैसा कमाया था। ठीक है, कितना पैसा कमाया था? ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने कल पैसे लगाए थे 29 तारीख को, शुक्रवार के दिन, और फर्स्ट टाइम था मेरा भी, फर्स्ट टाइम था। इससे पहले मैंने कभी भी इंट्रा डे में पैसे नहीं लगाए, इंट्रा डे में, ठीक है, इंट्रा डे में पैसे नहीं लगाए मैंने। और फर्स्ट टाइम में मुझे अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। देखिए होता क्या है ना, जब फर्स्ट टाइम में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आप उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो जाते हो, आप सोचते हो यार अगली बार मैं पक्का लगाऊंगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम में ही चीज़ ख़राब हो जाए ना, फर्स्ट टाइम में ही अगर बेकार हो गया तो फिर तो मन नहीं करता, फिर आगे आप 10 रुपये भी नहीं लगाओगे अगर फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस गंदा हो गया तो। ठीक है, पर जब फर्स्ट टाइम में अच्छा एक्सपीरियंस होता है फिर हम मन करता है कि यार अब आगे पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो वही मेरे साथ हुआ, फर्स्ट टाइम लगाया था मैंने, फर्स्ट टाइम ही मैंने लगाया था और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। मैं आपको बताता हूँ अभी कि मैंने कितने पैसे लगाए थे और कितना मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यह है ऑर्डर नंबर, ठीक है, ये ऑर्डर नंबर है और यहाँ पर है ऑर्डर टाइम, मतलब कितने बजे मैंने शेयर खरीदे या शेयर बेचे जो भी है। ठीक है, देखिए 12:27 पर मैंने शेयर खरीदे, 12:27 पर मैंने शेयर खरीदे। ठीक है, 29 तारीख की बात हो रही है, 29 तारीख की, ठीक है, 29/7/22 को कितने के बेचे, कितने खरीदे मैंने, मैंने खरीदे ये यहाँ पे है 379 रुपये के। देखिए 379.95, 379.95 के मैंने खरीदे इसको, एक शेयर था। ठीक है, प्रति शेयर एक शेयर इतने का था और 12:27 पर मैंने खरीदे इतने के शेयर, और जो इनकी कंपनी थी वो है अंबुजा सीमेंट, देखिए लिखा कंपनी का नाम अंबुजा सीमेंट के शेयर थे, और कितने खरीदे मैंने, मेरे को मिले यहाँ पर, देखिए आ रहा होगा, एक सेकंड, इधर शायद आ नहीं रहा, मुझे यहाँ पर मिले थे 185 शेयर, 185 शेयर्स मुझे मिले थे यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड नीचे देख लेता हूँ कि अगर नीचे आ रहा हो, देखिए यहाँ भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 185 शेयर मिले थे, जो प्राइस था वो था 379.95 का जो मैंने ख़रीदा था, और 185 शेयर मैंने ख़रीदे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लास्ट में जो एंट्री है मेरी, ये है मेरी सेल की एंट्री 12:57 पे, मतलब 12:57 पर मैंने सेल कर दिया इसको। ठीक है, लास्ट एंट्री है ना, सेल कर दिया मैंने इसको करीब आधे घंटे में, देखिए करीब 30 मिनट हो गया ना, 27 में खरीदा था मैंने, 57 में बेच दिया, तो 30 मिनट के अंदर जो शेयर का प्राइस था वो देख लीजिए कितना हो गया, 382 रुपये, 382 रुपये था, कितने का ये, 379 का, मतलब करीब 2.05 रुपये, 2 रुपये मान लो आप, 2 रुपये पर शेयर पर मुझे यहाँ पर बच रहा था। ठीक है, 2 रुपये पर शेयर पर, और मेरे पास शेयर कितने थे, 185, तो 185 × 2 ये होता है हमारा कितना, 370 रुपये मोटा मोटा। ठीक है, तो मात्र आधे घंटे में मुझे 370 रुपये का प्रॉफिट हुआ, देखिए 370 रुपये का, या 379 रुपये हैं क्योंकि मैंने मोटा मोटा लिया था, 370 रुपये या 80 मान लीजिए, करीब मुझे आधे घंटे का तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया। आप अगर सोचो, मैं अगर सुबह से लगाता और इसको ख़रीदता बेचता रहता, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्रांजेक्शन किया है, फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर ख़रीदे फर्स्ट टाइम बेचे, ठीक है, और एक बार में मुझे इतना प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको 3-4 बार कर लेता तो कम से कम मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट तो हो जाता, 1000 रुपये का प्रॉफिट तो मुझे हो जाता। ठीक है, तो ये दोस्तों बढ़िया चीज़ है, मतलब बढ़िया चीज़ है, अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो इंट्राडे में, आप यूट्यूब पर सर्च मार लेना कि इंट्राडे में कैसे लगाते हैं। ठीक
ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं एक अलग वीडियो बना दूँ तो एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, जब मंडे को लगाऊंगा मैं, तो उसको पूरा रिकॉर्डिंग कर लूँगा कि शेयर एक्चुअल में ख़रीदते कैसे हैं और बेचते कैसे हैं। ठीक है, आप भी कमेंट कर देना ताकि मुझे भी हाँ लगे कि हाँ वीडियो डालनी चाहिए वाली। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मैंने कितने पैसे लगाए थे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं तो इंट्राडे में क्या होता है ना, इंट्राडे में जो एक्चुअल प्राइस होता है शेयर का, जैसे कि यहाँ पर एक्चुअल प्राइस था 389 रुपये। ठीक है, 389 रुपये। तो इंट्राडे में क्या होता है, आपको सिर्फ एक्चुअल प्राइस का 20% देना पड़ता है, 20% ही देना पड़ता है, मतलब कि 5 गुना सस्ते आपको शेयर मिल जाते हैं इंट्राडे में। ठीक है, तो मुझे मिले थे 185 शेयर। ठीक है, तो ये मुझे करीब मिले थे 14,000 रुपये के, 14,000 कुछ 68 थे या कुछ ऐसे था, 14-21 ऐसे कुछ था, मोटा मोटा मान लेते हैं 14,000 रुपये के मैंने शेयर लगाए थे, 14,000 रुपये के शेयर मेरे लगे थे यहाँ पर। ठीक है, 14,000 रुपये लगा के मैंने यहाँ पर 380 रुपये कमाए। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा यार, आधे घंटे में 380 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप भी कर सकते हो, आप भी अपना अकाउंट बना सकते हो। इसमें पैसा लगाने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, जिसको कहते हैं हम डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट खोलने की वीडियो कि किस तरीके से खोलना है आपको बिल्कुल फ्री में, उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप देख लीजिए, ये वीडियो है वाली फ्री में डीमैट अकाउंट कैसे खोला है। ठीक है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो और अपना अकाउंट बनाकर आप भी पैसा लगा सकते हो। ठीक है, इसमें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये मेरे पास समझ आ गई होगी, और मैं लाइव दिखा रहा था आपको ताकि पता चल सके यहाँ पर एक्चुअल में होता कितना है, लाख रुपए होते हैं कि कितने होते हैं। देखिए नॉर्मली रहता है, जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा उतना प्रॉफिट होगा, मोटा मोटा ये है। ठीक है, कम पैसा लगाओ कम प्रॉफिट होगा, ज़्यादा पैसा लगाओगे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये पर रिस्क भी है, ऐसा नहीं रिस्क है, रिस्क भी है। जो 300 रुपये मैंने कमाए हैं, हो सकता है 300 रुपये गंवा जाता, गंवा देता, तो ये चलता है। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही वीडियो में, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जहाँ पर मैं लाइव दिखाऊं आपको किस तरीके से खरीदते हैं किस तरीके से बेचते हैं, तो आप कमेंट कर देना यार। ठीक है, चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।